इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई 240 मीटर तक हो चुकी है और जून 2004 तक इसकी ऊंचाई 245 मीटर किए जाने का लक्ष्य है, जो हरसूद शहर को डुबा देने के लिए सीमा रेखा है। मात्र 4 महीने बाद यहां पानी भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है और पुनर्वास स्थलों पर प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है, जो NHOC के दावों के ठीक विपरीत है। यहाँ पर न तो पानी है, न बिजली है, न सड़क है, मात्र प्लाट के सफेद पत्थर दिख रहे हैं, कोई प्लाट का आवंटन हुआ नहीं है। मुआवजा निर्धारित करने और उसके बाद बांटने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा और यदि मुआवजा मिल भी जाता है तो केवल 3 महीने बच जाते हैं, जिसमें हरसूद का विस्थापन असंभव है। इस बात को लेकर चिंता जताते हुए हरसूद के नागरिक अब आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। नहीं भाई, उसके लिए अब हम लोग तो कह रहे कि आंदोलन करेंगे, सरकार से समझाने का प्रयास करेंगे, सरकार से गुहार करेंगे कि भाई जनता के साथ जो है अन्याय ना करें, और अन्याय करेगी तो उसके बाद जो है आंदोलन का रास्ता अपनाए। हरसूद के मामले पर जवाब देने से खंडवा जिले के सभी अधिकारी कतरा रहे हैं। पुनर्वास मामलों के महाप्रबंधक सप्ताह में एक ही दिन खंडवा आते हैं। ETV के बार बार प्रयासों के बावजूद खंडवा कलेक्टर इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ऐसे में हरसूदवासी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ETV न्यूज़, खंडवा।